नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी इन जयपुर में। दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त खुशखबरी लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए जयपुर में JDA और RERA से अप्रूव्ड बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हम लेकर आते रहते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक ऐसे ही JDA और RERA से अप्रूव्ड एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये हमारा जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो होने वाला है आगरा रोड पर, जो कि जयपुर की मोस्ट डिमांडिंग लोकेशन है। उसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि आगरा रोड पर JDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट जो है वो आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, और इसीलिए हम आगरा रोड पर एक JDA और RERA से अप्रूव्ड एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट हम लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट की, यदि मैं फैसिलिटीज की यदि मैं बात करूं, प्रोजेक्ट्स में इस आने वाले प्रोजेक्ट्स में कुछ इस प्रकार की फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको देखने को मिलता है एंट्री गेट विद सीसीटीवी कैमरा। सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरा आपको वहां पे मिलेगा। इसके साथ साथ में गार्ड के लिए वहां पर गार्ड रूम वहां पे दिया जाता है, और एंटर एग्जिट करने के लिए बूम बैरियर वहां पर दिया जाता है। इसके अलावा पूरी की पूरी जो टाउनशिप होगी वो ब्लॉक बाउंड्री से घिरी हुई होगी। पूरी की पूरी कंप्लीट टाउनशिप के अंदर आपको जो रोड्स आपको देखने को मिलेगी वो इंटरलॉकिंग टाइल्स की रोड आपको देखने को मिलेगी। डामर की रोड हम नहीं बना के देते हैं। लाइट की यदि बात करें तो अंडरग्राउंड आपको इलेक्ट्रिफिकेशन मिल जाएगा। हर एक प्लॉट के सामने आपको आपका कनेक्शन पॉइंट जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पानी की सप्लाई के लिए ओवरहेड वाटर टैंक आपको मिल जाएगा। आपको पार्क यहाँ पर मिल जाता है, बच्चों के लिए खेलने का किड्स प्ले जोन मिल जाता है, ओपन जिम आपको मिल जाएगी, टेम्पल हम आपको बना के देते हैं, कम्युनिटी हॉल हम आपको बना के देते हैं, जिसमें कि आपको छोटा मोटा प्रोग्राम जो है वहां पर आप कर सकते हो, बर्थडे पार्टी वगैरह आप वहां पे अरेंज कर सकते हो। सीवरेज लाइन आपको देखने को मिलती है, गजीबो आपको देखने को मिलता है। इससे भी कई ज्यादा फैसिलिटीज हम आपको डेवलप करके देते हैं। लगभग 25 से ज्यादा फैसिलिटीज आपको इस टाउनशिप के अंदर देखने को मिलेंगी। ये जो हमारी टाउनशिप होने वाली है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बने रहिए हमारे साथ में इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि भाई किसी भी टाउनशिप यदि कहीं पर भी आप प्लॉट आप प्लान करते हो, कहीं पर भी आप जमीन प्लान करते हो, तो वहां पर आपको सुविधाएं क्या क्या मिलने वाली है। क्या वहां पर आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वहां पर मिलने वाले हैं? क्या वहां पर आपको हॉस्पिटल्स भी आसपास है या नहीं है? कनेक्टिविटी वहां की कैसी है? तो मैंने इन सभी चीजों को यहाँ पर कवर किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारे टाउनशिप से जो मेजर जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे आपको विनायका जनाना हॉस्पिटल वहां पर देखने को मिल जाएगा, जो कि आगरा रोड पर ही है, हमारे टाउनशिप से मात्र और मात्र 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इसी प्रकार से जो एक जो गवर्नमेंट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मुश्किल से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। एक हॉस्पिटल है आइकॉन हॉस्पिटल, ये भी यहाँ पर लगभग 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है, और नवजीवन हॉस्पिटल जो भी लगभग आपको 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हॉस्पिटल्स जो है वो आपको इस टाउनशिप के आसपास यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। साथ ही यदि मैं बात करूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए कि भाई बच्चों की पढ़ाई के लिए वहां पर आसपास क्या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि NIMT नर्सिंग कॉलेज जो है वही हमारे टाउनशिप के पास में होने वाला है। साथ ही में अरावली PG कॉलेज जो लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है, आनंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपने सुना होगा आगरा रोड पर ही पड़ता है, लगभग 7 किलोमीटर होने वाला है। एक HBSM सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो भी है बिल्कुल पास ही में होने वाला है। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे कॉलेज और स्कूल जो है वो 10 से 15 मिनट की डिस्टेंस पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा और नियर बाई अट्रैक्शन की यदि मैं बात करूँ कि भाई आसपास और क्या घूमने फिरने के लायक क्या चीज है, देखने लायक क्या चीज है, तो आपको कानोता जो डैम है वो बिल्कुल पास ही मिल जाता है, लगभग 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही आपको कानोता डैम जो है जो बांध है वो आपको देखने को मिल जाएगा। काफी अच्छा है घूमने फिरने के लिए, यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हो, फैमिली के साथ में आप जा सकते हो। साथ ही में नायला जो फोर्ट है वो आपका लगभग 2 किलोमीटर होने वाला है, जो कि नायला में है, एक किला है, काफी भव्य बना हुआ है, आप यहाँ पर घूमने फिरने के लिए जा सकते हो। साथ ही में 52 फुट हनुमान जी जो है की जो मूर्ति है आगरा रोड पर आपने देखी होगी, काफी फेमस है, ये भी हमारी टाउनशिप से मात्र 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होने वाली है। तो ये कुछ अट्रैक्शंस हैं जो हमारे टाउनशिप के आसपास होने वाले हैं, ये भी आप देख सकते हो। इन सभी चीजों को आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कि हमारी टाउनशिप कहाँ पर होने वाली है। और यदि मैं बात करूँ कनेक्टिविटी की, देखो कनेक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो कनेक्टिविटी की यदि मैं बात करूँ तो कनेक्टिविटी की आप देख सकते हो कि कानोता रेलवे स्टेशन जो है वो हमारे टाउनशिप से मात्र 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होने वाला है। आगरा रोड जो है वो आपका 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होने वाला है, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। आगरा रोड से हमारे टाउनशिप तक आप देख सकते हो कि वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी जो है अवेलेबल है,
खातीपुरा रेलवे स्टेशन जो है ये भी आपका पास ही में होने वाला है। जयपुर इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होने वाला है, और नायला बस स्टैंड जो है वो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही वहां पर आपको होने वाला है। तो हर एक प्रकार का जो ट्रांसपोर्ट जो मोड है वो आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगा, चाहे आप रेलवे की बात करो, चाहे आप एयरपोर्ट की बात करो, चाहे आप बस की बात करो, तो आपको वहां पर इजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित आपको कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। कनेक्टिविटी में यदि मैं बात करूं तो आपको एक मेजर रोड और यहां पर हमारे टाउनशिप के आसपास आपको देखने को मिलेगी। आप जैसा कि देख पा रहे हो कि ये यहां पर ये क्या है, जयपुर है। इधर आपको देखने को मिलेगा ये गुड़गांव या दिल्ली। गुड़गांव दिल्ली से एक NH 48 आता है जो जयपुर को कनेक्ट करती है। साथ ही में आप देख पा रहे होंगे कि गुड़गांव से एक और नया प्रोजेक्ट जिसको हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं जो भी गुजरता है। कुछ समय पहले डिमांड की गई थी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जयपुर से भी कनेक्ट किया जाना चाहिए, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए या फिर उसी डिमांड को फुलफिल करते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जयपुर से कनेक्ट किया गया था, जो कि आपके बांदीकुई से जयपुर के रिंग रोड तक आने वाला है। तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो आपको इस लिंक एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पास में ही आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो कि ये जो गोल सा ये जो आपको दिख रहा है ये रिंग रोड का हिस्सा है। रिंग रोड जो कि आपकी अजमेर रोड से लेके आगरा रोड तक कंप्लीट बन चुकी है। इसके बारे में मैं और डिटेल से आपको बताऊंगा जोनल प्लान की सहायता से भी, और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मास्टर प्लान की सहायता से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये आपका रिंग रोड है जो कि साउथ पार्ट है, जो कि अभी तक कंप्लीट हो चुका है। लगभग 48 किलोमीटर का ये जो है आपका लिंक एक्सप्रेस वे जो है होने वाला है, ठीक है। तो ये मुंबई एक्सप्रेस वे को आपको कनेक्ट कर देगा सीधा। तो जयपुर से आप दिल्ली के लिए मात्र जो डिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो जाएगी, साथ ही में आसानी से आप जयपुर से दिल्ली पहुंच जाओगे लगभग 2 से 2.5 घंटे। तो ये आपको एक फायदा जो है वो आपका मिलने वाला है यहां से। अब हम बात करते हैं कि ये वाला जो प्रोजेक्ट जो है, ये आने वाला जो प्रोजेक्ट है वो आपके लिए इतना खास क्यों होने वाला है। तो उसके लिए मैंने कुछ 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको यहां पर कवर करने की कोशिश की है, मैं इन पॉइंट्स की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों आपके लिए ये जो प्रोजेक्ट है वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आज के टाइम पे होने वाली है। सबसे पहले मैं बात करूं तो लिमिटेड रेजिडेंशियल एरिया, लिमिटेड रेजिडेंशियल एरिया को मैं आपको शो करने की कोशिश करूंगा हमारे जोनल प्लान की सहायता से। ये दोस्तों ये है जयपुर का जोनल डेवलपमेंट प्लान, जो कि 2025 को ध्यान में रखते हुए जीडीए के द्वारा बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन ग्रीन कलर का ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये हमारा है घाट की गुणी वाला क्षेत्र है। यहीं पर आपको वो जो टनल जो है वो दिखाई दे रही है, ये टनल जो है वहां पर यहाँ पर है। ये आपकी जो है आगरा रोड है। साथ ही में यदि मैं बात करूं ये जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली लाइन, ये आपकी जयपुर टू जो बांदीकुई वाली जो लाइन जा रही है रेलवे लाइन वो है। साथ ही में ये जो आपको रोड दिखाई दे रही है ये आपकी महल रोड है, जो आपकी जगतपुरा से होती हुई बॉम्बे हॉस्टल होती है सीधी आपके रिंग रोड को कनेक्ट। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो ये आपका अजमेर रोड है। इस तरीके से ये मेजर रोड जो आपको सेक्टर रोड जो है वो आपको इस प्लान की सहायता से आपको देखने को मिल जाएंगी। यदि मैं बात करूं आगरा रोड की, तो ये वाला जो पार्ट है आगरा रोड का है, आप यहां पर देख सकते हो कि आगरा रोड आपके घाट की गुणी से होता हुआ सीधा आगरा तक जाता है। तो ये रोड जो है यहां पर आप देख सकते हो कि ये वाला जो एरिया है, ये जो आपको येलो कलर का जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, सिर्फ यही रेजिडेंशियल पार्ट है। और इस रेजिडेंशियल पार्ट की यदि मैं बात करूं तो आपका सीधा घाट की गुणी से लेकर रिंग रोड तक का पूरा रेजिडेंशियल जो पार्ट है ये सारा का सारा ऑक्यूपाइड है सोसाइटी के द्वारा। यहां पर आपको सारे के सारे जो प्लॉट्स या फिर प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी इस एरिया में, सारी के सारी प्रॉपर्टी जो है वो आपको सोसाइटी पट्टे में देखने को मिलेगी। तो बहुत ही मुश्किल है कि कहीं कोई एक जेडीए प्लान यहां पर, जेडीए अप्रूव्ड कोई सोसाइटी जो है आपको यहां पर देखने को मिले। रिंग रोड से बाहर यदि हम निकलते हैं तो यहां पर आपको ये वाला जो एरिया दिखाई देगा ये आपका ग्रीन जोन में आ जाता है, जो कि आपका डैम वगैरह यहां पर आ जाते हैं। ये इस तरीके से ये आपको ये कानोता डैम यहां पर देखने को मिल जाएगा। इससे आगे चलेंगे तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, कानोता जाएगा। इस आगरा रोड के यदि मैं लेफ्ट साइड में बात करूं तो यहाँ पर ये ग्रीन वाला क्षेत्र आ जाता है। राइट साइड में यदि बात करूं रिंग रोड के, यहाँ पर यदि आप देखोगे तो ये वाला आपका एरिया जो है पूरा पूरा हेरिटेज सिटी आ जाता है। इधर की तरफ भी ये पूरा लखेसरा जो गांव है वहां तक ये पूरा पूरा हेरिटेज सिटी एक्सपेंड किया जाएगा, यहां तक पूरा हेरिटेज सिटी आएगा ये वाला पार्ट। तो आगरा रोड पर आगे भी आप देखोगे तो एक जोनल प्लान और है, जो कि आपका ये वाला जो एरिया है जोन 14 के अंदर आता है। तो मैं जोन 14 का मैप और यहाँ पर की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये हमारा जोन 14 है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये वाला पूरा आगरा रोड है, ये वाले पार्ट को हम पिछली स्लाइड में कवर कर चुके हैं। ये जो हिस्सा है रिंग रोड से बाहर का हिस्सा है। अब इस रिंग रोड के बाहर के हिस्से में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि रेजिडेंशियल जो पार्ट है इसी, देखो इसी इलाके में जीडी अप्रूव टाउनशिप आ सकती है। इससे पहले सारा का सारा जो पार्ट है वो सोसाइटीज के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है, तो वहां पर जेडीए स्कीम आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये जो पूरा पूरा पार्ट है यहाँ पर अभी खाली एरिया है, यहाँ पर सोसाइटी इतनी बसी हुई नहीं है। इस जगह पर जो जेडीए प्रोजेक्ट्स हैं वो आ सकते हैं, लेकिन
यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर रेजिडेंशियल जो पार्ट है वो बहुत कम है आगरा रोड पर। रेजिडेंशियल पार्ट जो है वो बहुत कम है आगरा रोड पर। रेजिडेंशियल पार्ट आपको ये वाला जो पार्ट है वही रेजिडेंशियल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट है वही आपको रेजिडेंशियल, ये पूरा को पूरा जो है इकोलॉजिकल जोन में आ जाता है। तो यहाँ पर जेडीए अप्रूव्ड टाउनशिप जो है आएंगी नहीं आने वाले टाइम में। तो जो भी है प्रोजेक्ट आएंगे वो आगरा रोड के इसी तरफ आएंगे यहाँ पर। अब अगर इस लोकेशन की बात करो तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपका कानोता पुलिस थाना है, यहां से एक रोड ये जा रही है नायला रोड, इसको हम बोलते हैं नायला रोड जो कि सीधे नायला तक जाती है। तो जो मैं आपको लिंक एक्सप्रेस वे की जो मैं आपको बात कर रहा था वो लिंक एक्सप्रेस वे इस तरीके से यहां से बांदीकुई से होती हुई यहां पे इस तरीके से आएगी और ये रिंग रोड को कनेक्ट करेगी कहीं ना कहीं इस कानोता डैम के आसपास। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही कम जो है रेजिडेंशियल पार्ट है, तो इस वजह से बहुत कम टाउनशिप आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो कि जेडीए से अप्रूव होंगी। बाकी आपको सोसाइटी में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सोसाइटीज का आपको पता ही है सोसाइटी में किसी प्रकार की कोई भी गारंटी नहीं होती है। दूसरी यदि मैं बात करूं, दूसरे पॉइंट की यदि मैं बात करूं, इंक्रीजिंग रेट्स रैपिडली, इंक्रीजिंग रेट्स जो है यहाँ पर रेट्स जो है वो आपको काफी ज्यादा तेज गति से यहाँ पर बढ़ती हुई आपको दिखाई देंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एरिया जो है वो भी लिमिटेड है, रेजिडेंशियल एरिया लिमिटेड है और सोसाइटी पट्टे में ज्यादातर जो है हमारा आगरा रोड जो है वो कवर्ड है। तो जेडीए अप्रूव्ड जो यहाँ पे टाउनशिप है बहुत लिमिटेड आपको देखने को मिलेंगी और वो आपको काफी ज्यादा मतलब धीरे धीरे उनकी रेट्स जो है डिमांड जो है वो काफी ज्यादा होगी, तो जो रेट्स है वो भी काफी जल्दी यहाँ पर ग्रोथ करेंगी। आगरा रोड पर ये जो सोसाइटी जो में बसी हुई है यहाँ पर इस आगरा रोड के आसपास, यदि सोसाइटी में प्रेम नगर आपका बगराना ये कई जो कॉलोनीज यहाँ पर जो बसी हुई है इनमें यदि आप सोसाइटी पट्टे में भी यदि आप रेट्स की यदि बात करोगे तो आपको 25 से 30 हजार की रेट आपको यहाँ पर आगरा रोड के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो कि सोसाइटी पट्टे में आपको देखने को मिलेगी। इससे आगे यदि आप जाते हो कानोता के आसपास तो आपको कम से कम 10, 12 या 15 तक की रेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि सोसाइटी पट्टे की मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो जेडीए अप्रूव टाउनशिप या जेडीए अप्रूव प्लॉट्स की जो जो रेट्स है वो काफी ज्यादा आपको यहाँ पर इंक्रीजमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इस चीज का भी फायदा आपको मिलेगा। तो यदि अगर रेट्स यदि यहाँ पर इंक्रीजिंगली यदि रैपिडली यदि यहाँ पर बढ़ेंगी तो ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है इन्वेस्टमेंट के लिए भी हो सकती है, साथ ही में आपके रेजिडेंशियल के लिए तो रहेगी रहेगी लेकिन इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी ये जो टाउनशिप है आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। आज के टाइम पे यदि आपको यहाँ पर यदि 20 से 25 की रेट में यदि मान लो आपको कोई प्लॉट मिलता है तो आने वाले टाइम में यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ वो आपको देकर जाएगा, एक अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो है वो साबित होने वाला है। चौथा और अंतिम पॉइंट ये जो है वो है कि बेनिफिट्स ऑफ 3 मेजर रोड्स। तो मैंने आपको जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो हमारी टाउनशिप है इसमें आपको 3 मेजर रोड्स का आपको फायदा मिलने वाला है। 3 मेजर रोड्स कौन कौन सी हो गई, सबसे पहली हो गई आपकी आगरा रोड, दूसरी आपकी हो गई रिंग रोड और तीसरी आपकी हो गई आपकी लिंक एक्सप्रेसवे। तो इन तीनों रोड्स का फायदा जो है आपको इस टाउनशिप में आपको देखने को मिलेगा और इसकी वजह से ही ये जो प्रोजेक्ट है काफी डिमांडिंग प्रोजेक्ट होने वाला है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये जिस दिन ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया उसके नेक्स्ट 2 से 3 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है सोल्ड आउट हो जाएगा। इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है काफी डिमांडिंग प्रोजेक्ट होने वाला है। और फाइनल जो पॉइंट आता है कि भाई टाउनशिप जो है वो होने वाली कहां पर है, लोकेशन क्या होने वाली है। तो देखो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुआ नहीं है, एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको नहीं बता सकता हूं लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सा हिंट मैं आपको दे सकता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा होने वाला है नायला रोड पर। और ये नायला रोड आप देख सकते हो कि नायला रोड 75 मीटर लगभग 260 फीट का रोड होता है। ये जो नायला रोड है जो सीधे नायला कनेक्ट करेगा आगरा रोड से, 260 फीट का रोड आपको देखने को मिलेगा। साथ ही में आपको देखने को मिलेगा एक रोड और ये 48 मीटर का, 48 मीटर लगभग 160 फीट का रोड हो जाएगा। तो ये 160 फीट का रोड आगरा रोड के पैरेलल पैरेलल चलेगा, लगभग आपकी बस्ती तक जाएगा, तो इसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैंने सभी पॉइंट्स जो है वो कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी यदि आपके मन में कोई और डाउट हो या फिर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको किसी प्रकार की और जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप विजिट भी करना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यदि आप विजिट करके अभी लोकेशन जो है उसको यदि आप फाइनल कर लेते हैं तो लॉन्च होने के जस्ट बाद में जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो हमें आपको आपकी मनपसंद जो प्लॉट है वो देने में काफी आसानी होगी। तो आप दिए गए नंबर पर जल्द से जल्द कॉल कीजिए और अपनी विजिट जो है वो सुनिश्चित कीजिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ में। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी प्रकार से नए नए प्रोजेक्ट्स जेडीए और रेरा से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स जो है हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।